नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा समाचार। ईशा समाचार में आपका स्वागत। और अभी जिस खबर को मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो खबर है थाली बजाओ। जी हां, थाली बजाओ। क्यों थाली बजाओ? तो आज जैसा कि 7/6/2020 दिन रविवार, समय सुबह 11 बजे से लेकर 11:10 यानी के 10 मिनट के लिए आरजेडी के नेताओं ने थाली बजाओ कार्यक्रम का इनेकाद किया। क्या मकसद था? कि जहानाबाद, अरवल सहित पूरे बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जबरदस्त थाली बजाई। जैसा कि जहानाबाद और अरवल के आरजेडी नेताओं ने कहा कि थाली बजाकर हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये उन्हें बताना चाहते हैं कि हमें इस थाली में भोजन चाहिए। जैसा कि राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना था, आइए उन्हीं राजद कार्यकर्ताओं की जबानी सुनते हैं कि उन्होंने ये थाली क्यों बजाया। आज हम लोग थाली बजाया है इसलिए कि केंद्र सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग रैली कर रहे हैं। तो हम लोग अपने इनके विरोध में हम लोग अपना थाली बजाया है, इसलिए केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक सब इन लोग बिल्कुल नाकाम हैं। इतना कोरोना का हुआ, अभी तक इनकी सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। तो हम लोग इन लोग के विरोध में थाली बजाया है और हम लोग इनके विरोध करते हैं कि ये किस चीज़ का रैली निकालेंगे, जबकि अभी तक तो इन्होंने कुछ सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बाहर से मजदूर भी जो आए हुए हैं उनको ये लोग चोर कहते हैं। तो जब चोर है ये लोग, तो चोर को वहीं सज़ा देना चाहिए था। फिर इन लोग बिहार में बुलाए हैं, बुलाने के बाद आप इनको चोर कह रहे हैं। तो ये आप अपने बिहार को भी तो बदनाम कर रहे हैं कि आप इतने बिहार में चोर को बुला लिया है। आज पूरे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों को मानने वाले और परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के आदर्शों को मानने वाले पूरे बिहार में आज जो राज्य सरकार की गलत नीति है, हमारे श्रम वीर, हमारे भाई जो दूसरे राज्यों में मेहनत करके वहां इमारत खड़ा करते थे, वहां के लोगों को बुलंदियों तक पहुंचाते थे, या कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के बाद जब वहां से हमारे श्रम वीर जब बिहार राज्य में वापस आए तो उनके थाली में खाना नहीं था, उनके थाली में अनाज नहीं था। इन सब सवालों को लेकर के हमारे नेता ने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को चेताया और बताया कि आपके राज्य में यहाँ के 80% आबादी जो भूखे हैं, आपसे अनाज नहीं जुट रहा है, आपसे उन लोगों को भोजन नहीं जुट रहा है। इन सब सवालों को लेकर के और कई तरह के सवाल जो हमारे नेता ने मुख्यमंत्री जी से पूछा और सुझाव भी दिया कि आप इस तरह का काम करेंगे तो यहाँ के बिहार के श्रम वीरों को जो हमारे
साथी रहे थे, हमारे दोस्त रहे थे, हमारे परिवार के रिश्तेदार के सभी लोग रहे थे, वह लॉकडाउन में बंदी के बाद देश के अन्य राज्यों में जो कल कारखाना बंद हुआ, इसको लेकर के सभी किसी किसी तरह अपने मेहनत करके हजारों हजारों मील पैदल चल के, साइकिल से चल के, रिक्शा से, ठेला से चल के और अपने घर वापस आए हैं। आज उन लोगों के पास भोजन की समस्या है, उन लोगों के पास खाने की समस्या है। इन सब सारे सवालों को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने आह्वान किया इस गूंगी बहरी सरकार को। हम थाली बजा करके आगाह करते हैं, सचेत करते हैं कि यहाँ बिहार की जनता भूखी है, इसके थाली में अनाज नहीं है, भोजन नहीं है। आप सबको थाली में अनाज परोसने का काम करिए और यह कार्यक्रम हमारा पूरे बिहार में जोशो खरोश के साथ यह किया गया है।